Hey guys, welcome to BioMixUp. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम सेल लीज के बारे में. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टेम सेल. स्टेम सेल क्या था? ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट था, इट वाज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल. ठीक है, इट वाज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल. और ये जो स्टेम सेल जो है, इट वाज हैविंग इट्स प्रॉपर्टी टू डिवाइड. इट वाज डिवाइडिंग एसिमेट्रिकली एज वेल एज सिमेट्रिकली. ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है, व्हेन इट डिवाइड्स एसिमेट्रिकली, ये खुद की तरह एक सेल बनाएगा और एक डिफरेंशिएटेड सेल भी बनाएगा. इट विल मेक वन डिफरेंशिएटेड सेल. ये जो डिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो सेल है, नाउ इट हैज committed for some of the fat. ये जो committed है, it has already decided that it will make neurons, it will make muscles, whatever the fat it may be, it has been decided by the cell. Okay, so ये जो decision जो है, whether it will form itself or we can tell that whether it will form the stem cell or it will go into differentiation or differentiated cell, they are being regulated by some of the paracrine factors. They are regulated by the paracrine factors, juxtacrine factors, as well as some of the cell adhesion molecules. Now, what is the stem cell niche? ये जो stem cell जहाँ पे रहना चाहिए और where it stays, that place is known as stem cell niche. और ये जो stem cell niche जो present है, it is providing a micro environment to the factors which is regulating the stem cell. Stem cell ko kaun regulate kar raha tha? The paracrine factors, juxtacrine factors as well as cell adhesion molecules aakar regulate kar rahe the hamara stem cell ko apne stem cell form mein rehne ke liye. And the stem cell niche is a place where the stem cells is present, and this is providing a micro environment to the factors which is regulating the stem cells. Theek hai, ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स जो प्रेजेंट है, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेम सेल्स, व्हेन दिस पैराक्राइन फैक्टर्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेम सेल, इट हेल्प टू सेल्फ रिन्यू. अगर ये पैराक्राइन फैक्टर्स, अगर ये सेल डिवाइड होकर अपना नीश छोड़कर चला गया, ये जो स्टेम सेल जो है, फॉर सम ऑफ द कंडीशन ड्यू टू लैक ऑफ द सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, अगर ये अपना नीश छोड़कर चला गया थोड़ा डिस्टेंस में, then this paracrine factors cannot interact with this cell. Now this cell has the ability to divide itself, and after the division it will be in the differentiated form. Clear? So what is the function of the cell adhesion molecules? ये जो cell adhesion molecules जो present है, ये अपना stem cells को अपना स्टेम सेल लीज में रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं. इट इज एडहरिंग द स्टेम सेल्स टू बी इन द स्टेम सेल नीश. अगर लॉस ऑफ फंक्शन, व्हाट विल बी द कंडीशन इफ देयर विल बी अ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स? अगर ये लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, देन इट विल नॉट अलाउ द स्टेम सेल्स टू बी इन इट्स स्टेम सेल नीश, ड्यू टू विच ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है, वो अपना पोल मेंटेन नहीं कर सकता है. इट विल गो इनटू द डिफरेंशिएटेड फॉर्म. ओके, अगर ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला गया और उसका खुद का सेल अगर फॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये और अनडिफरेंशिएटेड सेल कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा. ओके, सो नाउ देयर इज अनदर टर्म. व्हाट इज दैट? That is the adult stem cell niche. ये तो चला गया हमारा stem cell niche. Next is adult stem cell niche. ये adult stem cell niche क्या होता है? जो हमारा जो tissue, adult tissue जो रहते हैं, जो adult tissues जो रहते हैं, और we can tell adult organs जो रहते हैं, they contains a stem cells. ये जो है अपना stem cells, अपना खुद का ही स्टेम सेल मेंटेन करते हैं. Why? ये जो एडल्ट स्टेम सेल जो प्रेजेंट है, they are maintaining its own stem cells. ये एडल्ट स्टेम सेल में होने के लिए क्या चाहिए? जो एडल्ट टिश्यूज जो है, इट शुड हैव मोर रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी एंड द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स ग्रोथ.
मेंटेन इट्स ओन पुल, इट्स ओन. ओके, एंड द स्टेम सेल जो एडल्ट स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट है उनका खुद का नीश प्रेजेंट रहता है. इट इज मेंटेनिंग देयर ओन नीश. ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल? द एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एडल्ट स्टेम सेल इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड. और एग्जाम्पल कौन है यहाँ पे? एग्जाम्पल जो है हमारा हाइड्रा. ये जो हाइड्रा है अपना खुद का रीजनरेशन प्रॉपर्टी उसका हाई है. द अदर एग्जाम्पल इज जेब्राफिश. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम सेल नीज इन ड्रोसोफिला टेस्टिस. हमारा जो स्पर्म सेल, जो स्पर्म का जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है, दिस इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ एसिमेट्रिकल डिवीजन. एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब क्या है? ये खुद के डिवीजन के वक्त एक खुद के तरह एक सेल बनाएगा और एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा. ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस किए थे, ये सब होने के लिए कुछ कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स, जस्टाक्राइन फैक्टर्स एज वेल एज सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का नेसेसरी है. यहाँ पे भी पैराक्राइन फैक्टर्स, जस्टाक्राइन फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स एज वेल एज सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का जरूरत है. एंड वी नीड ए नीश विच विल प्रोवाइड ए माइक्रो एनवायरमेंट टू दिस फैक्टर्स. यहाँ पे जो माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज द हब शेल. यहाँ पे रेड कलर का हम देख सकते हैं, दिस इज द हब शेल. और ये जो हब शेल जो प्रेजेंट है, इनके पास नियर अबाउट 12 सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज हैविंग 12 सोमैटिक सेल्स. एंड ये हब शेल के कॉन्टेक्ट में ही है हमारा जर्म स्टेम सेल. स्टेम सेल का मतलब क्या है? स्टेम सेल का मतलब ये है कि व्हेनेवर वी सी द वर्ड स्टेम सेल, दैट मींस इट हैज अ प्रॉपर्टी टू रीजनरेट इटसेल्फ एज वेल एज गिव ए डिटरमाइंड फैट. और वी कैन टेल दैट आफ्टर डिटरमिनेशन इट विल गिव ए सेल व्हिच इज कमिटेड. ओके, ये जो जर्म सेल जो प्रेजेंट है, आफ्टर फर्दर डिविजन इट विल गिव ए प्रिकर्सर सेल व्हिच इज नोन प्रोजेनाइटर सेल व्हिच इज नोन एज गोनियल ब्लास्ट. ये जो गोनियल ब्लास्ट जो है वो फर्दर डिविजन के बाद देगा हमें स्पर्माटोगोनिया व्हिच विल गिव राइज टू स्पर्म. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड दैट ये जो हब शेल जो प्रेजेंट है, इट इज गिविंग ए माइक्रो एनवायरमेंट. नाउ लेट अस सी, ये जो हब शेल जो प्रेजेंट है हमारा जर्म स्टेम सेल के साथ एटस है, और इन दोनों को एटैचमेंट के लिए कौन चाहिए? कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स चाहिए. ये जो एडिशन मॉलिक्यूल्स जो है, दिस इज कैडरियन. ओके, ये जो हब शेल जो प्रेजेंट है, इट इज सिक्रेटिंग वन पैराक्राइन फैक्टर्स. इसके पास, हब सेल के पास जो 12 सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट थे, दिस सोमैटिक सेल्स इज प्रोड्यूसिंग द पैराक्राइन फैक्टर्स. और ये पैराक्राइन फैक्टर्स का नाम क्या है? इट इज अनपेड. ये क्या करेगा? ये जो अनपेड जो प्रेजेंट है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि है जैकस्टैट पाथवे, जैकस्टैट पाथवे, इससे ये एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से कि कुछ चेंजेस होगा. और वी कैन टेल देयर विल बी सम इंटरनल चेंजेस, जिसके वजह से कि ये जंप स्टेम सेल में ही रहेगा, ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं जा सकता है. ठीक है, सो नाउ वी कैन टेल दैट ये जो हमारा स्पर्म शेल, स्पर्म स्टेम शेल जो डिवाइड हुआ, जो डिविजन के बाद ये हब शेल के साथ एटस है, देन इट विल फॉर्म द स्टेम शेल. इफ इट इज नॉट एटस विद दिस हब शेल, इट विल नॉट फॉर्म द स्टेम शेल, इट विल फॉर्म द डिफरेंशिएटेड सेल. ओके, एंड दिस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द पैराक्राइन फैक्टर्स. अगर यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर्स, ये जो स्टेम सेल्स का जो प्रोडक्शन हुआ, इसके पास पैराक्राइन फैक्टर्स का इफेक्ट है, दैट मींस द पैराक्राइन फैक्टर्स इज इंटरैक्टिंग हियर. इट इज इंटरैक्टिंग एंड इट इज एक्टिवेटिंग द जैकस्टैट पाथवे, ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल. एंड ये जो डिफरेंशिएटेड सेल जो प्रेजेंट है, इसका इंटरैक्शन हब सेल के साथ नहीं हुआ, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द कैडरिन मॉलिक्यूल, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स इसके पास नहीं है, एंड द पैराक्राइन फैक्टर्स कैन नॉट रीच नियर दिस. That is the reason ये जो है ये gonial blast का formation क्या? ये gonial blast क्या था? This was a progenitor cell. ये जो progenitor cell जो है, we can tell that it is a precursor for sperm cell. ये progenitor cell बाद में जाकर क्या formation करेगा? It will give rise to spermatogonia.
स्पर्माटोगोनिया एंड द स्पर्माटोगोनिया आफ्टर द डिविजन इट विल गिव राइज टू स्पर्म. ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम शेल लीव्स इन ड्रोसोफिला ओवरी. हमारा जो ड्रोसोफिला ओशाइट जो प्रेजेंट है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्म स्टेम शेल. ओके यहाँ पे जो है वी कैन सी हियर दैट दिस इज अ जर्म स्टेम शेल एंड अटैच्ड टू इट इज द कैप्सूल्स. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द पैराक्राइन फैक्टर्स ऑल्सो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वेदर इट विल बी इन द जर्म स्टेट, वेदर इट विल मेंटेन इट्स सेल्फ रिन्यूअल एक्टिविटी और इट विल बी इन द डिफरेंशिएटेड फॉर्म. ये जो जर्म स्टेम शेल जो प्रेजेंट है इट इज डिवाइडिंग एसिमेट्रिकली इसका डिविजन होगा. ओके इफ इट इज डिवाइडिंग एसिमेट्रिकली इट विल फॉर्म वन स्टेम शेल, एक स्टेम शेल का फॉर्मेशन होगा और एक डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन होगा. ये जो डिफरेंशिएटेड शेल जो है दिस विल फर्दर गिव राइज टू ओशाइट. ठीक है अगर ये स्टेम शेल फॉर्म में रहना है, इस स्टेम शेल फॉर्म में रहना है देन इट विल बी अटैच्ड विद द कैप्सूल्स. सपोज दिस स्टेम शेल जीएससी, ये जो जीएससी जो प्रेजेंट है जीएससी अगर वो स्टेम शेल में रहना चाहता है देन अटैच्ड टू इट विल बी कैप्सूल्स. ये जो कैप्सूल्स जो प्रेजेंट है इसके साथ अटैच रहेंगे. ठीक है और इन दोनों का अटैचमेंट के लिए एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है. वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो है ई कैडरिंग. ओके दिस इज हेल्पिंग फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स विद द कैप्सूल्स. ये जो प्रेजेंट है दिस आर द कैप्सूल्स. ड्यू टू दिस कैप्सूल्स ये कैप्सूल के वजह से एक टीजीएफ बीटा पाथवे का एक्टिवेशन होगा एंड ड्यू टू दिस टीजीएफ बीटा पाथवे एक्टिवेशन देयर विल बी सिक्रेशन ऑफ बीएमपी फैक्टर. या बीएमपी फैक्टर का काम क्या है दैट इट विल इनहिबिट द बैम. ये जो बैम जो प्रेजेंट है इसका वर्क क्या था इट वाज हेल्पिंग द सेल टू गो इनटू द डिफरेंशिएशन फॉर्म. ओके नेक्स्ट अगर ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में गया देन इट विल फॉर्म सिस्टोब्लास्ट. ये जो सिस्टोब्लास्ट जो प्रेजेंट है इट इज ए प्रोजेनाइटर सेल. हमारा टेस्टिस में हम जब बात कर रहे थे ये जो प्रोजेनाइटर सेल जो प्रेजेंट था इट वॉज गोनियल ब्लास्ट इन केस ऑफ टेस्टिस इट वॉज गोनियल ब्लास्ट एंड इन केस ऑफ ओशाइट इट इज द प्रोजेनाइटर सेल इज सिस्टोब्लास्ट. अब क्या होगा यहाँ पे There is no cap protein atlas. यहाँ पे cap protein atlas नहीं है. There is no cap protein. क्यों cap protein नहीं atlas नहीं है? Because it is going into the differentiated form. अगर वो stem shell में रहना चाहेगा, then only the cap shell will be attached to the stem shells. So here there is no cap proteins. अगर cap proteins atlas नहीं है, तो यहाँ पे TGF beta pathway जो activation हुआ था, वो activate नहीं होगा. ड्यू टू विच BMP का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो BMP भी फॉर्मेशन नहीं होगा. ये BMP क्या कर रहा था BAM को इनहिबिट कर रहा था. ये अभी BAM को भी इनहिबिट नहीं कर सकता है. सो नाउ द BAM इज एक्टिव. ये जो BAM जो प्रेजेंट है ये अब एक्टिव स्टेट पे है. दिस इज इन द एक्टिव स्टेट. और ये जो BAM जो एक्टिव स्टेट पे प्रेजेंट है इट विल हेल्प इन डिफरेंशिएशन. ठीक है This was all about the stem shell knees in Drosophila ovary. Next, we will discuss the stem shell knees in C. elegans. हमारा C. elegans में stem shell knees के बारे में हम discuss करेंगे. जो capsule हमारा जो present था हमारा Drosophila में क्या present था? हमारा जो Drosophila में जो cap present था that was regulating the capsule was regulating whether it will go into the stem shell or it will be in a differentiated shell. यहाँ पे हमारा सी एलिगेंस में उसी तरह है डिस्टल टिप सेल इज सिमिलर टू कैप्सूल इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. ये जो सी एलिगेंस जो प्रेजेंट है यहाँ पे है हमारा डिस्टल टिप सेल. यहाँ पे जो है हमारा पैराक्राइन फैक्टर्स काम नहीं कर रहा है. यहाँ पे क्या काम कर रहा है यहाँ पे नॉच
सिग्नलिंग काम कर रहा है। ये जो नॉब सिग्नलिंग कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये जो टिप शेल्स जो प्रेजेंट, डिस्टल टिप शेल जो प्रेजेंट है, इट इज गिविंग सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर एक्टिवेटिंग द नॉच सिग्नलिंग। ठीक है, ये जो नॉच सिग्नलिंग का काम क्या है, दिस नॉच सिग्नलिंग व्हाट इट विल डू इज इट विल इनहिबिट द डिफरेंशिएशन। ये जो है ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को इनहिबिट करेगा। ओके, when it will inhibit the differentiation property, then what it will happen, it will allow the cell to be in the stem shell form. ye iska differentiation nahi hoga. next hum discuss karenge ki ye jo stem shell jo present hai wo kaise regulate ho raha hai. ye jo stem shell jo regulate ho raha hai, it is by different methods. like the first method is the extracellular mechanism. extracellular mechanism mein kya aa raha hai, physical mechanism aa raha hai. हम अभी डिस्कस किए थे कि हमारा जो डिसीजन हो रहा है कि वेदर ए स्टेम शेल विल आफ्टर द डिवीजन वेदर इट विल गो इनटू द स्टेम शेल और वेदर इट विल बी इन द डिफरेंशिएटेड फॉर्म, ये जो हो रहा था हमारा एक कॉन्टैक्ट के लिए भी हो रहा था. फॉर दैट कॉन्टैक्ट इट रिक्वायर्स ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स. सो फ्रॉम हियर we can see that the physical, in case of physical mechanism, ये cell to cell interaction or cell to matrix का जो addition proteins जो responsible था, that was deciding that whether ये stem cell में जाएगा और ये differentiation form में जाएगा. उसी तरह next है हमारा chemical regulation of stem cell. there are certain types of chemicals like we can tell that endocrine, paracrine, justacrine factors. these were some of the chemicals which was influencing the cell to be in the stem shell form. ठीक है, ये जो है एक stem shell को uncommitted state में रखने के लिए help कर रहा था. and what it was allowing, and for that the knees was responsible. ये जो knees जो present था, ये कुछ chemicals का जो secretion हो रहा था, like it may be endocrine, paracrine और justacrine factors, इसके लिए एक micro environment भी provide कर रहा था. उसी तरह कुछ इंट्रासेलुलर रेगुलेशंस का भी, इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स का भी रेगुलेशन हो रहा है, लाइक साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट. ये जो साइटोकाइनेसिस, आफ्टर द सेल डिवीजन हो रहा था, ये भी अफेक्ट कर रहा था एक सेल को एक डिफरेंशिएटेड फैट में रखेगा और अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रखेगा, ये भी डिसाइड हो रहा था. ओके, लाइक वी कैन सी दैट regulation by cytoplasmic determinant, the partition of which occurs at cytokinesis. as the stem cell divides, factor determining fats are either selectively partitioned to one daughter cell or shed evenly between daughter cell, symmetrical division. ye jo hai hamara jo cell regulation by cytoplasmic determinant ka matlab kya ho raha hai, jab ek cell divide karega, it is decided that whether it will give rise to symmetrical division और asymmetrical division. अगर वो asymmetrical division में divide हुआ, then one cell will form stem cell, the other cell will form differentiated cell. अगर वो symmetrical form में divide हुआ, then either it will form stem cell or it will form differentiated cell. In the same way, transcriptional regulation occurs. So a network of transcription factor that keeps the stem cell in a quiescent or proliferative cell, as well as promoting maturation of daughter cell to particular fat. ये जो transcription factors हैं, ये क्या करेंगे? एक shell को उसका stem cell fat में ही quiescent silent रहने के लिए help करेंगे. और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए. द नेक्स्ट इज एपिजेनेटिक रेगुलेशन. ये जो एपिजेनेटिक का रेगुलेशन जो है, ये क्रोमाटिन लेवल में होगा, विच हेल्प इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्रोमाटिन एबिलिटी इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन रेट टू स्टेम सेल बिहेवियर. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डायग्राम के हिसाब से भी. यहाँ पे देखो कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स, they are responsible for whether it will form a differentiated form or it will form a stem cells, as well as there are extracellular matrix due to which there will be some of the addition of some of the molecules, or there will be cell to cell contact. there are also endocrine signaling, asymmetrical localization of cytoplasmic determinant. so these are some of the factors which influence or which regulate the stem cell regulation.
ओके।